महाराष्ट्र में सीएए और एनआरसी लागू करने से पहले उद्धव ठाकरे से बातचीत करनी होगी और ठाकरे इसे लागू करने के लिए सहयोग नहीं करेंगे, जिस कारण हमें डरने की बात नहीं है और शुक्रिया भी अबू आजमी द्वारा क्या क्या साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता खास तौर से माइनॉरिटीज के अंदर एक ये भय था कि जब ये कानून लागू होगा तो फिर लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसके पास कागजात नहीं मिलेंगे उसको निकालने की का प्रोसीजर शुरू होगा। लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की इस सरकार ने, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि महाराष्ट्र में एनआरसी हो या सीएए हो, लागू करने के लिए सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी से बात करनी होगी। उद्धव ठाकरे जी उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और यहाँ रहने वालों को किसी तरह से कोई भी इस किस्म का डर नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई भी अन्याय हो गया या उनको यहाँ से निकाला जाएगा। एक ही बात हम सब जितने खड़े हैं ये निवेदन करना चाहते हैं महाराष्ट्र की पूरी जनता से कि आज हमें इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने का सरकार हमें संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है, परंतु हम लोग कानून के दायरे में रहकर कहीं भी हिंसा भड़कने ना पाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारी इस भीड़ में आकर हिंसा भड़का रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत शांतिपूर्वक कहीं भी अगर आपको एजिटेशन करना है, आंदोलन करना है तो कीजिए, परंतु इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं से पत्थर भी आए तो उसका जवाब मत दीजिए, कोई गाली भी दे तो उसका जवाब मत दीजिए। सर झुका करके शांतिपूर्वक सारे धर्म के लोग एक साथ होकर के इस कानून का विरोध जरूर कीजिए, लेकिन कहीं भी हमारे इस महाराष्ट्र में दंगा भड़कने ना पाए, कोई भी ऐसा वाकया ना होने पाए जिससे महाराष्ट्र को कोई भी क्षति पहुंचे, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बोलिए सीएम साहब ने कैटेगरिकली कहा गया कि एनआरसी को महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, जैसे इन लोगों का क्लेम हुआ। आज जब मुफ्ती मुजीब अजहर साहब जो डेलीगेशन लेकर मुख्यमंत्री जी को मिले तो उन्होंने कहा कि आज सीएए की बात है, जब कल एनआरसी की बात आएगी तो वो सभी के लिए लागू होगा और सभी के हितों की रक्षा करने का काम एज ए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मेरा है और मैं सभी के हितों की रक्षा करूंगा, ऐसा कैटेगरिकली सीएम साहब ने आज जो मुफ्ती महाराष्ट्र के मुफ्ती आज़म है मुजीब अजहर साहब जो आए थे उनको उन्होंने कहा है।